वाईफाई स्टडी पे, नाउ वाईफाई स्टडी हैज बिकम द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। एक बहुत ही शानदार लाइन है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। इसका अर्थ तात्पर्य क्या है कि पहले दूसरी लाइन को एक्सप्लेन करूंगा, फिर पहली लाइन को। आपने देखा होगा गांव में जब पानी खींचते हैं कुएं से तो पत्थर की एक लकीर होती है, पत्थर होता है, उसमें बार बार रस्सी आती है, रस्सी पत्थर में आते आते पत्थर को काट देती है। एक कई बार आपने देखा होगा जो हैंडपंप गांव में होते हैं, हैंडपंप के नीचे पत्थर होता है, उसकी पानी की बूंद उसमें टपकती है और पत्थर में छेद हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि वो बार बार हो रही हो चीज। अब मैं पहली लाइन एक्सप्लेन करता हूं कि इसी प्रकार से अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो एक मूर्ख इंसान भी, एक मूर्ख मतलब मेरे जैसा इंसान भी अगर फूड इंस्पेक्टर बन सकता है तो फिर आप तो आराम से बन सकते हैं, आप तो होशियार लोग हैं। यही सिंपल चीज है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अगर अभ्यास करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल बेस्ट हो जाएंगे। मैं एक लाइन है, बहुत शानदार लाइन है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। जो हार्ड वर्क होता है वो टैलेंट को बीट कर सकता है, अगर टैलेंट हार्ड वर्क नहीं करता तो। चलिए संदीप सर का जीके खजाना भूल ना जाना ना। चलिए सर कमेंट लगाएगा, तीन कमेंट आएंगे आपके स्क्रीन में बिल्कुल शानदार से। ये देखिए एक कमेंट आ चुका है आपके स्क्रीन में, एक और लगाइएगा, एक ये कमेंट आ चुका है और नेक्स्ट एक ये। चलिए तो ये कमेंट्स है, तीन कमेंट्स आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स है। क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है आपके कि संदीप सर का जीके खजाना भूल ना जाना आना। इस क्लास को डेली मिस नहीं करना है किसी भी दिन, क्योंकि क्लास से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके आसपास किसी ने अगर एसएससी एमटीएस का पेपर दिया हो तो जाकर पूछ लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन इस क्लास से थे, ठीक है। चलिए कमेंट्स आपके हो चुके हैं। अगर इस क्लास से कुछ बदलाव आता है आपकी जिंदगी में, आप बताया करिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट किया करिए, आपके कमेंट्स को स्क्रीन में लगाऊंगा और उससे मोटिवेशन आपको मिलेगा और बाकी लोगों को मिलेगा। चलिए मेरी दो क्लासेस होती है, एक क्लास होती है शाम को 6 बजे और एक क्लास होती है 12 बजे। ये दोनों क्लास छोड़ना नहीं है, चाहे रेलवे की तैयारी करें, चाहे एसएससी की तैयारी करें, चाहे पुलिस हो, चाहे कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, दोनों क्लास मिस नहीं करना। एक इस वाली क्लास में क्वेश्चंस कराता हूं, इस वाली क्लास में टॉपिक कराता हूं। चलिए आगे चलते हैं। तो वीडियो को आने के पहले लाइक कर दिया करिए, और वीडियो लाइक तो तुरंत भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू में शेयर जरूर कर दिया करिए। जब वीडियो स्टार्ट होता है उसके 10-15 मिनट पहले फेसबुक में, बहुत बच्चे हैं जो फेसबुक मेरे को टैग कर देते हैं, मेरे फेसबुक पेज में आके वीडियो शेयर कर देते हैं, मेरे को व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हैं, अच्छा लगता है, आप भी कर दिया करिए ताकि अपना परिवार लगातार बढ़ता रहे। चलिए तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक लास्ट में कराएंगे, आपको मालूम है मैंने प्रोसीजर चेंज कर दिया है, जो मेन टॉपिक होता है हमारा वो लास्ट में अपन कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं डे ऑफ द डे, स्विच कीजिएगा सर। चलिए ये देखे स्विच हो चुका है। तो आज का डे ऑफ द डे देखिएगा, आज के दिन भाई साहब आदरणीय बाबा आमटे जी ने रेमन मैक्सेस अवार्ड पाया था। आपको मालूम है आदरणीय रवीश कुमार जी जो एनडीटीवी के पत्रकार हैं, उनको भी आपका रेमन मैक्सेस पुरस्कार मिला है अभी हाल ही में 2 दिन पहले। उस पर भुवनेश्वर ने एक वीडियो बना दिया है, जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा वीडियो है, ठीक है ना। बाबा आमटे बहुत बड़ा नाम है, इनके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मैंने बोला था आप लोगों से पर्सनालिटीज पे एक वीडियो बनाना चालू करूंगा बहुत जल्दी, तो बस 1-2 दिन का इंतजार, उसके बाद पर्सनालिटी पे वीडियो बनाना चालू कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखेगा 1886 में पंचवटी यशोधरा साकेत जैसी कालजयी रचनाओं के कवि आदरणीय मैथिलीशरण गुप्त का जन्म आज ही के दिन झांसी के चिरगांव में हुआ था। बहुत बड़ी बात होती है, 3 अगस्त 1886 को आदरणीय मैथिलीशरण गुप्त, जिनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, उनका जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 12 दिसंबर 1964 को। आगे चलिएगा, ये देखे अब आएगा आपके यस्टरडे क्वेश्चन। आपको कल वाली क्लास में, जो कल अपनी क्लास हुई थी 2 तारीख को रात को 12 बजे, उसमें मैं आपको यस्टरडे क्वेश्चन नहीं करा पाया था क्योंकि पीपीटी ज्यादा नहीं थी, थोड़ा सा अर्जेंट हो गया था, तो वो वाली चीज आज करा दूंगा, चिंता मत करना, छूटे के क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन यस्टरडे के, एक ये था आपका कि जो क्वेश्चन कल कराना था वो पहले करा देता हूँ फिर आज वाले करा दूंगा। क्वेश्चन क्या है कि देखेगा, किसने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पेश किया? लॉर्ड लिटन ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पेश किया था, एक। दूसरा, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा शुरुआत की गई थी। डन। चलिए ये 2 क्वेश्चन थे परसों के, 2 क्वेश्चन जो कल मुझे बताना था लेकिन नहीं बता पाया था। अब आपका कल का स्पेशल टॉपिक हो जाएगा कि एक डेटाबेस में रिकॉर्ड की संरचना की तरह पेड़ क्या कहलाता है? आपका श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है, मतलब आपका हायरार्की मॉडल कहलाता है। डन। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि श्रम गहन तकनीक में चुना जाता है श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था, जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, वुड गेट चूजन इन लेबर सरप्लस इकोनॉमी। कभी टाइम मिलेगा जरूर तो मैं इकोनॉमी आपको पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी करने वाला वो। नेक्स्ट देखेगा, टैक्सेस इन इंडिया आर इंक्लूडिंग, जो भारत में कर होते हैं उसमें शामिल होते हैं कौन से? आपको मालूम है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर दोनों होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। आगे चलिएगा कि सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर, आपको मालूम है जो सर्विस टैक्स है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1994 में, इसके पहले सर्विस टैक्स नहीं लगता था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन ऑफ द डे, ये जो दो क्वेश्चन दे रहा हूं ये क्वेश्चन मुझे कल देना चाहिए था आप लोगों को, लेकिन कल नहीं दे पाया था। तो ये दो क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन ये था कि भारत के कुल बाह्य ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है, एक ये क्वेश्चन का आंसर आपको कल देना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आज ही दे दूंगा इसका आंसर। और एक ये क्वेश्चन है, ऐसा कर जो आय बढ़ाते ही आय का अधिक प्रतिशत लेता है उसे क्या कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन थे, मुझे कल देना था लेकिन नहीं दे पाया था, कोई दिक्कत नहीं, आज इसका आंसर बता दूंगा और आज नए वाले क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसका आंसर बाद में वीडियो के नीचे दे दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं डेजर्ट ऑफ द डे। तो कल हम डेजर्ट ऑफ द डे में 1925 करने वाले थे, क्योंकि परसों 1924 कर चुके थे। तो 1924 का 5 का 1925 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है कहां हुआ था? कानपुर में हुआ था, और इसके चेयरमैन कौन थी? आदरणीय सरोजनी नायडू। याद रखना, अगर पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला चेयरमैन कौन थी, कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमेन चेयरमैन आदरणीय सरोजनी नायडू, 1925 कांग्रेस। और अगर पूछे फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ कांग्रेस कौन था, तो याद रखना आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, 1917। डन। चलिए नेक्स्ट लिखा है क्या कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव हेगड़े द्वारा की गई थी। और 1925 में ही परसों क्वेश्चन पूछा था एक एमटीएस में कि आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 26 दिसंबर। कब? 26 दिसंबर 1925। ये क्वेश्चन अभी आया था आपका, ओके, एमटीएस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये देखिएगा अब आया आपका यस्टरडे क्वेश्चन। देखिए ये जो अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए ये कल कराना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया था टाइम के कारण से और पीपीटी के कारण से, अब आज वाली क्लास में क्वेश्चन कराता हूं। तो जो मैंने कल दो क्वेश्चन दिया था इसका आंसर हो जाएगा आपका एक, मैक्सिमम शेयर इन टोटल एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, एक आंसर यह हो जाएगा। दूसरे का आंसर यह हो जाएगा कि ऐसा कर जो आय बढ़ाते ही आय का अधिक प्रतिशत लेता है उसे क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, वीडियो छोड़कर बीच में नहीं जाना है, एक बात, और वीडियो लाइक करते चलना है, वीडियो शेयर करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका रिस्पॉन्स कम होगा मैं दुखी हो जाऊंगा, और दुखी होगा तो उसका जो रिजल्ट है फाइनली क्या हो जाएगा भाई, मैं भी मोटिवेट नहीं होता, डिमोटिवेट होऊंगा तो फाइनली मैं टूट जाऊंगा। आप ही मेरा सहारा है, सब कुछ आप ही हैं, आपको वीडियो शेयर करना है, खूब जमकर शेयर करना है और लास्ट तक बने रहे। हमारा टारगेट कम से कम 4000 लाइव का होना चाहिए डेली, और जिस दिन 4000 पूरा हो जाएगा उसको टारगेट को अपन 5000 करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्पेशल टॉपिक आज का। स्पेशल टॉपिक देखिएगा कि भारत के समेकित कोष से धन की निकासी के लिए प्राधिकरण से आना चाहिए भारत की संसद, जो अथॉराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, इसको समेकित कोष या संचित निधि कहा जाता है। क्या बोलते हैं? संचित निधि कहा जाता है। इसके लिए इंडियन पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना अप्रूवल के नहीं हो सकता। दूसरा, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपको मालूम है कि टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि संसद के दोनों सदन में सत्र होने के बाद अवधि के बाद एक अध्यादेश समाप्त हो जाएगा 6 वीक्स। कितना? 6 वीक। अगर अवधि जो आपका 123 में जो प्रेसिडेंट अध्यादेश लाते हैं, जो ऑर्डिनेंस लाते हैं, अगर वो पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होने के 6 वीक तक उसमें कोई रिएक्शन पार्लियामेंट नहीं करती है तो वो अपने आप प्रभाव से समाप्त हो जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको किस दिन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, देशों में किसके पास एक अलिखित संविधान है? यूके के पास में अलिखित संविधान है। अब सवाल आता है कि सर ये लिखा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। रिटन और नॉन रिटन, वाह बहुत सुंदर, रिटन और नॉन रिटन जो होता है क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं जिसके लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई हो, तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। जैसे हिंदुस्तान के लिए एक संविधान सभा थी। यूके में क्या हुआ कि रिटन है लेकिन उसके लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बनाई गई थी। ऐसा नहीं कि वो लिखा नहीं है, बिल्कुल लिखा है बराबर किताब में, लेकिन उसके लिए स्पेशल कोई असेंबली नहीं बनाई गई थी। इस कारण से उसको नॉन रिटन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ध्यान रखना, कई लोग सोचते अनरिटन मतलब ऐसे ही चल रहा देश, ऐसा नहीं होता बेटा, उसका लिखा हुआ संविधान है, लेकिन हाँ स्पेशल कोई असेंबली नहीं बनाई थी उसके लिए, ना कोई कमिटी बनाई थी, इस कारण से उसको नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? आदरणीय न्यायपालिका। बिल्कुल, आपको मालूम है 4-5 दिन पहले फेसबुक में मैंने एक पोस्ट शेयर की थी उन्नाव रेप केस के बारे में,
उन्नाव रेप केस में जो भी हो रहा था आपको सबको दिख रहा था, बताने की जरूरत नहीं क्या क्या हो रहा था। बहुत लोगों ने शेयर किया, मैंने भी शेयर की थी, और आदरणीय न्यायपालिका से मैंने भी रिक्वेस्ट की थी कि सर आप ही इस देश के माई बाप हैं, हिंदुस्तान के माई बाप हैं, और जिस प्रकार से जब कुछ अन्याय होते हैं तो जैसे ईश्वर उतार लेता है, वैसे ही आप हैं हमारे लिए ईश्वर, भगवान है बिल्कुल। जो जुडिशरी होती है वो न्यायपालिका बोलते हैं उनको, न्यायमूर्ति बोलते हैं, न्याय की मूर्ति भगवान बोलते हैं हम लोग उनको। और उसके बाद आपने देखा होगा उन्नाव केस में सीजीआई रंजन गोगोई साहब ने अपना रिकमेंडेशन लिया, एक कदम आगे बढ़े और बेहतरीन तरीके का उन्होंने स्टेप लिया है। इसके लिए हम हमारी भारत की न्यायपालिका का धन्यवाद करते हैं। और इंडियन जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जुडिशरी का मजबूत होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए तो अब देता हूं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेगा, ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि निम्नलिखित में कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। एक ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और दूसरा एक ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये वाला और एक पिछला वाला। ठीक है, चलिए अब चलते हैं डेजर्ट ऑफ द डे में। आज हमारा क्या है, 1926 होगा हमारे पास में। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, वीडियो में बीच में भागना नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, एक एक मिनट इस वीडियो का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो वो नहीं बना रहे हैं कि जो कहीं नहीं हुआ तो वीडियो बना रहे हैं। सिलेक्शन लिया है, हमको मालूम, मेरे को मालूम भाई एग्जाम में क्या आता है। जिस तरीके से मैंने पढ़ाई करके सिलेक्शन लिया वही तरीका आपके लिए कर रहा हूं, और बच्चों को फायदा हो रहा है, बहुत बच्चों को सिलेक्शन भी हो रहा है, आपका भी होगा, चिंता मत कीजिएगा, बस मेहनत करते चलिएगा। चलिए तो 1926 का जो कांग्रेस का चेयरमैन, कांग्रेस का अध्यक्षता हुई थी, सेशन कहां पर हुई थी, गुवाहाटी कांग्रेस। और ये कहां पर हुआ था इसका, गुवाहाटी में। इसके चेयरमैन थे एस श्रीनिवास अय्यंगार साहब थे। नेक्स्ट 26 जनवरी 1926 को स्कॉटिश आविष्कारक जॉन लोगी बेयर लंदन में एक सच्ची टेलीविजन प्रणाली का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं, संचार और मनोरंजन में क्रांति लाते हैं। डन, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए साहब, अब ये हमारा टॉपिक है आज का, जो आपके थंबनेल में लगा था इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आप सोचेंगे सर वो ऑर्गेनाइजेशन होंगे IMF, WTO होगा, ना, ये खतरनाक वाला ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान के ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान की जान है। तो सबसे पहली स्क्रीन आपकी स्क्रीन में आएगी, ये देखिएगा, आत्मीय सभा। बिल्कुल, आत्मीय सभा जो है इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, और कब की थी, 1815 में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने और 1815 में की थी। याद करने का तरीका क्या है कि आरा हिले, एक गाना है ना कि हिले सारा आरा डिस्ट्रिक्ट जब लगावे लू लिपस्टिक टाइप का गाना है, तो वही है आरा। आरा एक जिला है बिहार में, आ से हो जाएगा आत्मीय और रा से हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट चलेंगे भाई साहब क्या, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी, और ये की थी 13 इयर्स के बाद में, ठीक है ना। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ब्रह्म समाज का हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, यंग बंगाल। इसका हेनरी डिरोजियो ने किया था 1826 में। ये बहुत ही खुले किस्म के इंसान थे हेनरी डिरोजियो, और ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लिबरल दिखाने की कोशिश करते थे भी लिबरल, और इस चक्कर उनकी मौत भी हो गई थी, है ना। तो ये यंग बंगाल का कब किया था हेनरी डिरोजियो ने, 1826 में। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, तत्वबोधिनी सभा रविंद्रनाथ टैगोर, और ये 1839 में। पीडीएफ की बात लास्ट में कर दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंगा ने 1867 में। क्लियर, प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंगा। याद करने का तरीका क्या है कि आप प्रार्थना करें जरा कि देखें किसमें कितना है दम, याद है ना गाना है इस टाइप का, कर लीजिएगा, आ से हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंगा और प्रा से हो जाएगा प्रार्थना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कौन सा आपका, आर्य समाज। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। नेक्स्ट आएगा कौन सा आपका, थियोसॉफिकल सोसाइटी। एक मिनट देखते चलना, छोटा तो नहीं, बड़ा तो नहीं हो रहा। चले तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है आपका, इसका किया था आपका कौन से, H.P. ब्लावात्स्की, कर्नल अलकॉट ने 1875 में। नेक्स्ट आएगा रामकृष्ण मिशन, आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में। कब, 1897 में। नेक्स्ट आएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में। आगे आएगा विश्व भारती, इसकी स्थापना की थी किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, ये 1912 में किया था इन्होंने। नेक्स्ट आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष बाबू। बिल्कुल, सुभाष बाबू, सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में, ठीक है। नेक्स्ट आएगा स्वराज पार्टी 1923 में, मोतीलाल नेहरू प्लस C.R. दास का भी नाम आता है इसमें, C.R. दास मतलब चितरंजन दास, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट आएगा कौन सा आपका, खुदाई खिदमतगार।
इसका खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने 1930 में, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, सर सुन छुटाइएगा, बिल्कुल खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। और ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, लेकिन जब भारत विभाजन हुआ तो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में इनको भेजने का जो उद्देश्य यही था कि बाद में हम एक हो जाएं और हमारे बीच सब कुछ अच्छा हो जाए। पाकिस्तान हमेशा इनको बुरी नज़र से देखता था और उनको लगता था कि हिंदुस्तान का दलाल है, ऐसे ही बोलते थे पाकिस्तान के। इनका आधा समय पाकिस्तान में जेल में बीता। जब ये जेल में थे तो बहुत बीमार थे, हिंदुस्तान की सरकार ने रिकमेंड किया तो इनको विदेश में दवाई करने के भेजा गया। एक बार जब अदानी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी देश की, तो उन्होंने इनको बुलाया दवाई कराने के लिए इंडिया हिंदुस्तान। तो हमारा जो चार्टर प्लेन गया था पाकिस्तान को लेने के लिए खान गफ्फार खान साहब को, जब प्लेन लेके आता है तो खान गफ्फार खान साहब प्लेन से उतरते हैं, लाजमी सी बात है इतना बड़ा नाम है, तो जयप्रकाश नारायण खड़े थे, इंदिरा गांधी खड़ी थी, जितने भी बड़े लीडर उस टाइम के हो सकते थे सारे खड़े थे, एरोप्लेन एयरपोर्ट गए थे लेने के लिए। खान साहब जैसे उतरते हैं तो उतरते टाइम उनके हाथ में पुटकी थी कपड़े की, कुछ कपड़े फटे फटे बंधे थे उसमें, तो इंदिरा गांधी जी ने अपने जो हमारे पीए थे उनके, लाजमी सी बात है प्रधानमंत्री के पीए होते आईएएस होते हैं, उनको बोला इशारा किया कि आप उनकी पुटकी ले लीजिए गफ्फार खान साहब की। तो वो गए, उन्होंने बोला कि पुटकी दे दीजिए सर, तो उन्होंने बोला किसने बोला है, तो उन्होंने बोला कि मैडम ने बोला, मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, भाई क्या हुआ ऐसा, तो इंदिरा गांधी जी ने पूछ लिया क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आपने पहले तो मेरा देश छीन लिया, उसके बाद एक पुटकी मेरे पास बची है वो भी छीनना चाहते हो आप। वो बहुत ही गमगीन टाइप का किस्सा है, कई बार न्यूज़ में आ चुका है, कई बार आर्टिकल्स में आया है, तो बहुत ही अजीब सा था। खान गफ्फार खान साहब हिंदुस्तान के बहुत ही बड़े समर्थक थे, और बाद में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, चलिए स्विच कीजिएगा सर। नेक्स्ट आए होम रूल लीग आंदोलन, एनी बेसेंट और तिलक, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक के बारे में मैंने उस दिन बातें बता दी थी, इनका निकनेम है क्या आपका, केशव, याद रखना केशव, है ना। चलिए नेक्स्ट आएगा इंडियन सोसाइटी, आनंद मोहन बोस 1876 में। नेक्स्ट चलते हैं आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर 1866 में। अगला आता है हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना कहा जाता है, क्या बोलते हैं, महामना। और इनको अभी भारत रत्न, राष्ट्र कवि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भारत रत्न भी दिया गया था 1915 में, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट आता है भारत संघ, इसका सुरेंद्र बनर्जी ने 1876 में। अगला आएगा एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स 1784, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोलता हूँ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, यहाँ पर ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं तो ही करा रहा हूँ, बेवजह चीज कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है मैं स्मार्ट स्टडी पर फोकस ज्यादा करता हूँ, मैं हार्डवर्क थोड़ा कम करता हूँ, तो इस कारण से मुझे मालूम भाई जो स्मार्ट है, जो चीजें अच्छी हैं उसको किया जाए, एग्जाम निकालना है, दैट्स ऑल। ठीक है, अगला सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। नेक्स्ट आएगा गदर पार्टी, लाला हरदयाल ने 1913 में, कहां पर, सैन फ्रांसिस्को में किया था। आगे चलिएगा अभिनव भारत, वीडी सावरकर ने, वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर कहा जाता है, और कई बार वीर सावरकर भी कहा जाता है, तीनों एक ही नाम है, अलग अलग मत कर देना, ठीक है ना। वीडी सावरकर फुल नाम हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर और वीर सावरकर एक ही चीज है, ठीक है, 1904 में। आगे चलेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना, आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने किया था 1906 में। नेक्स्ट आएगा खिलाफत आंदोलन, ये अली बंधु ने किया था, ये आपका 1919 में। नेक्स्ट देखते हैं आजाद हिंद फौज, रास बिहारी बोस, ये 1942 में हुआ था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है वेदांत कॉलेज, ये आपका राजा राम मोहन ने किया था 1825 में, डन। चलिए अगला आता है कौन सा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, दादा भाई नौरोजी ने 1843 में किया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट परमहंस मंडली, गोपाल हरि देशमुख 1840 में, ठीक है। चलिए अगला देखेगा, लिखा है रहनुमाई मजायदा यान, नौरोजी ने 1851 में, और नेक्स्ट लिखा है बालिका विद्यालय, ज्योतिबा फुले ने 1851 में, क्लियर। चलिए सर सुन लीजिएगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, एक बात, ये वीडियो आपका है, मेरा नहीं है, अगर वीडियो में कम व्यूज होते हैं, बच्चे कम होते हैं, तो इसके जिम्मेवार सिर्फ आप होंगे, मैं नहीं होऊंगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा वीडियो शेयर करने के लिए, हालांकि बहुत लोग करते भी हैं, बहुत लोग नहीं करते, तो वीडियो शेयर करना अपने को खूब ज्यादा, फेसबुक में मैं फेसबुक खोलूं तो मुझे दिखना चाहिए कि मुझे कम से कम 25 लोगों ने टैग किया है, तब तो बात बनेगी, आप सब मेरे फ्रेंड्स में हैं, आपको मालूम है सारे लोग फ्रेंड्स में जुड़े हो, वहां पर टैग कर दो, बेहतरीन शेयर करते हैं वीडियो को, फेसबुक में भेजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, टेलीग्राम में शेयर कीजिए, इस वीडियो को ऐसा बना दीजिए कि रात को 12 बजे किसी की क्लास आती है, हालांकि आप आजकल लोग बातें करने लगे, बहुत लोग बातें करने लगे, बड़े बड़े चैनल्स में भी बातें होती है कि भाई रात को 12 बजे क्लास आती है, उसमें 4-4, 5-5 हज़ार बच्चे लाइव रहते हैं, बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए प्यार के लिए तो मैं आपका
कर्ज चुका ही नहीं सकता, चिंता मत कीजिएगा, लेकिन कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगा और एक और नई वीडियो सीरीज लेकर आऊंगा बहुत ही शानदार वाली। क्लियर? चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बात, वीडियो को शेयर करना है। तीसरी बात, पीडीएफ सारी मिल रही कि नहीं मिल रही? सारी मिल रही होगी। कहां मिल रही होगी? ऐप में मिल रही होगी। वाईफाई स्टडी का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, लगाइए पोस्टर वाईफाई स्टडी ऐप का। चलिए, वाईफाई स्टडी ऐप का पोस्टर आ जाएगा आपकी स्क्रीन में। ये देखिए, ये ऐप का पोस्टर आ चुका है। नहीं, ऐसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लगा दीजिए। ये देखिए, ये आपका ऐप का है, वाईफाई स्टडी का ऐप है, डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी, हटा दीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर करना है। स्पीड भी ठीक थी, नॉर्मली हो गई है। ट्रिक इस कारण से नहीं दी मैंने क्योंकि ऑलरेडी वो वाले क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए थे, इस कारण से ट्रिक मैंने नहीं दी है। चिंता मत कीजिएगा, सब करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे और आग लगा देंगे सारे एग्जाम में। एग्जाम बाहर नहीं जाने देंगे, वादा है, ठीक है ना। खुद नौकरी ली है, आपकी नौकरी गारंटी मैं लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।